पंप एंड डंप गेम इन बैंक निफ्टी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी ने ये पर्टिकुलर लेवल से जैसे ही इसने ब्रेक डाउन दिया, नो डाउट एक अच्छा खासा शार्प सेल ऑफ आया। शार्प सेल ऑफ आने के बाद देख सकते हैं इसी पर्टिकुलर डब्ल्यू के जो नेकलाइन का जो लेवल था, ये लेवल से ही बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा शार्प 350 पॉइंट का बाइंग हुआ है। नो डाउट अब एक अच्छा खासा सेलअप का प्रेशर बन रहा है। अगर कल बैंक निफ्टी 48,100 से लेकर 150 के लेवल में कहीं पर भी ओपन होता है तो नो डाउट एक अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर मार्केट में बनेगा। हम लोग 47,700 के फिर से लेवल देखने के लिए हमको मिल सकते हैं। अगर मान लेते हैं कल बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है, बैंक निफ्टी अगर कल गैप डाउन खुलेगा तो फिर समवेयर अराउंड 48,000 के आसपास कहीं पे गैप डाउन खुलने की चांसेस आर वेरी हाई। अगर यहाँ पे कहीं पे बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है तो नो डाउट यहाँ पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी होल्ड करने का ट्राई करेगा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा डिमांड जोन है। हो सकता है कि ये अगर ब्रेक करे तो 47,000 के लेवल हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी मान लेते कि बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है 47,900 या फिर 47,800, अगर इन केस में अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे खुलता है तो नो डाउट हो सकता है कि नहीं 47,000 आपको लेवल देखने के लिए मिल सकता है। इन केस अगर बैंक निफ्टी कहीं पे भी यही एरिया में गैप डाउन खुलता है, ये पर्टिकुलर एरिया में 47,700 के लेवल्स आपको देखने के लिए कल मिल सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है अबाउ 48,200, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर बाइंग। ठीक है, यहाँ पे अगर मार्केट होल्ड कर रहा है लेवल, तभी हम लोग इंटरेस्टेड 12:30 बजे के बाद ट्रेड लेने के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ। अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग इन द बैंक निफ्टी। ठीक है, बाइंग तभी प्रेफर करना जब बैंक निफ्टी 48,400 से लेके 48,500 क्रॉस करे, तभी हम लोग एग्रेसिवली बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे नीचे की साइड पे अगर कुछ डब्ल्यू पैटर्न अगर बना के बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, तब भी हम लोग बैंक निफ्टी बाइंग करना प्रेफर करेंगे। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।